हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस मोर। सो गाइस, आज हम फिर से आए हैं चांदी भंडार, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और आज कुछ मतलब गोल्ड या सिल्वर कुछ भी लेने से आज वह शुभ माना जाता है। तो आज हम लोग फिर से आए हैं चांदी भंडार में। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या पसंद आता है। और आज मैं पायल लेने वाली हूँ, तो हम लोग अंदर जाके देखते हैं। कलेक्शंस आपको यहाँ पे भरपूर मिलेंगे, कोई कमी नहीं है कलेक्शंस में। और ये देखिए गाइस, ये इस तरह का कुछ लगेगा जब आप सर्व करेंगे अपने गेस्ट को, तो ये काफी अट्रैक्टिव होगा और आपका इम्प्रेशन बहुत ही गजब होगा। हे गाइस, तो ये थोड़ा पोस्ट लेट में मैंने डाला और मम्मी मैं गए थे पायल लेने के लिए, क्योंकि शुभ माना जाता है अक्षय तृतीया में कोई भी ज्वेलरी आइटम घर लेने से। और ये देखिए, मैं पायल ट्राई कर रही हूँ और आप लोग बताइएगा ये आपको कैसा लगा। सो गाइज, ये ब्राइडल पायल है और इसका क्या कॉस्ट है ईच एंड एवरीथिंग मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो एंड तक आप लोग वीडियो को देखिए और प्राइस वगैरह सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगी। सो गाइज, ये पायल मुझे काफ़ी पसंद आया और मैं मम्मी के चॉइस से ही पायल इस बार ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पायल पहनना इतना पसंद नहीं है। और बचपन में जब मुझे पायल खरीद दिया गया था, जब खरीदे थे मेरा दादाजी मेरे लिए, वो पायल अभी तक मैंने रखा है, क्योंकि मुझे जब पायल का आवाज़ आता है ना, मुझे एकदम पसंद नहीं है। तो ये मम्मी के ज़िद से मैं ये पायल ले रही हूँ और ये एक राजस्थानी डिज़ाइन था, देख सकते हैं आप लोग। ये भी अच्छा लगा बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट ठीक ठाक है। और जो पहला वाला पायल मैंने पहना था, वो मम्मी को काफ़ी ज़्यादा माँ कौन थी सहीटा नहीं जा अब मुँह को इच्छा रहना भी भाबू जी एटा बोलते हैं ओ एबे आउ जो ट्राई करले मोटर सेटा गोटा पिंधी छी दीटा अच्छा एटा गोटा गोटा पहनती। सो गाइस, चांदी भंडार में आपको वैरायटीज ऑफ कलेक्शंस मिल जाएगा पायल का, और बहुत सारे कलेक्शन जो हैं आप लोग डेली बेसिस में जो लोग अब यूज़ करते हैं पायल, आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। सो गाइस, आज मम्मी के साथ हम लोग आए हैं चांदी भंडार, अक्षय तृतीया है आज, और मेरे लिए पायल हम लोगों ने चूज़ किया है मम्मी के पसंद से, और मम्मी कुछ अपने लिए देख रही हैं, तो देखते हैं मम्मी को क्या पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर आज लेंगे। तो मम्मी क्या देखती है, देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल टोरिंग्स है, आज मैं आपको क्लोजली दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल कलेक्शंस हैं यहाँ पे, और मैंने बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी शॉप विज़िट किए हैं जहाँ पे मुझे इस तरह का कलेक्शंस नहीं देखने को मिला। और चांदी भंडार में गाइस बहुत ही यूनिक कलेक्शंस हैं, आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। सो गाइस, चलिए देखते हैं अभी कुछ रिंग के कलेक्शंस। सो रिंग भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। तो ये देखिए भाई पहन के आपको दिखा रहा है, तो ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 1000 के अंदर आपको मिल जाएगा। सो गाइस, और भी एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन, एक्सक्लूसिव कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो वीडियो के मिडिल पार्ट में है, आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एकदम भी स्किप मत करिएगा। सो गाइस, ये जेंट्स रिंग भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए, और मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये है ब्रेसलेट, और ये आप सलवार में भी पहन सकते हैं, जीन्स में भी पहन सकते हैं एंड साड़ी में भी पहन सकते हैं। तो गाइस, ये है इविल प्रोटेक्टर और ये रोमा ने अपने लिए लिया, देखते हैं अभी हमें नज़र वगैरह लगता है कि नहीं इसको पहनने के बाद। ये डिजाइन कौन सा रेडी कर रहा है?
सो गाइज ये है कमरबंद और ये ब्राइडल कलेक्शन है जिनका भी शादी हो रहा है आप लोग आके देख सकते हैं। ये जो कमरबंद का कलेक्शन काफ़ी सुंदर लग रहा था। सो गाइज लास्ट वीडियो में मैंने एक क्लिप ऐड करना भूल गई थी और वो बहुत ही अच्छा क्लिप है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। लास्ट वीडियो का जो पार्ट है आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज मैं थक चुकी हूँ यहाँ पे आइटम देख देख के, ख़त्म ही नहीं हो रहा है और इतना अच्छा जो सुंदर कलेक्शंस है मैं क्या ही बताऊँ आपको। और एक सुंदर सा आइटम मैं आपको दिखाने वाली हूँ और ये देखिए ये है कप सेट और इस तरह का कप सेट लोग देखे होंगे तो ये है सिल्वर कोटेड कप और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे इसको आप गिफ्ट भी कर सकते हो, अपने लिए भी आप ले सकते हो। तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस। और भी ब्यूटीफुल सा एक चीज आ रहा है, कलेक्शंस आपको यहाँ पे भरपूर मिलेंगे, कोई कमी नहीं है कलेक्शंस में। और ये देखिए गाइस ये इस तरह का कुछ लगेगा जब आप सर्व करेंगे अपने गेस्ट को तो ये काफी अट्रैक्टिव होगा और आपका इम्प्रेशन बहुत ही गजब होगा, एक रॉयल फील आएगा, पूरा रॉयल रॉयल। मुझे भी लग रहा है कि रॉयल फील मतलब अभी से ही आना स्टार्ट हो गया है। जब आप प्रेजेंट करोगे तो आप सोच सकते हैं आपके जो गेस्ट हैं आपको तारीफों के पुल बांध देंगे। हो सकता है गाइस जब लेडी आते हैं यहाँ पे तो शॉपिंग के तो मतलब लाइन लग जाता है, जब एक मतलब जेंट्स यहाँ पे अगर उनको ये इम्प्रेस कर पा रहा है तो आप लोग सोच सकते हैं। हमारे आशीष भाई को तो बहुत ही पसंद आया कलेक्शन, बिल्कुल राइट। तो आप लोग भी जरूर आके एक बार कलेक्शन देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर यहाँ से शॉपिंग करिए। हमेशा मैं भाई या तृप्ति ऐसे हम लोग आते हैं बड़ो सिंगर, तो आज पहली बार मम्मी को बड़ो सिंगर लेके आए हैं खाने के लिए। तो आज अक्षय तृतीया है तो सारा आज नो गार्लिक नो अनियन पूरा सादा ही खाएंगे। तो अंदर जाते हैं हम लोग और क्या क्या खाते हैं आप लोगों को दिखाएंगे। तो अंदर आ गए हैं भाई, मोमा मम्मी बिरयानी ना नॉर्मल मांग को ना उसना भात देते, मम्मी को उसना ही पसंद है गाइस। क्या बोले वो तो अरवा खाती नहीं, दाल में भात के साथ अरवा खाएगी और हर होटल में लेने से नाटक करती है, अभी कोने से नहीं खाएगी। तो बिरयानी क्यों नहीं खाएगी बता, क्यों? सुन बहुत टाइप का खाना बनता है, जरूरी नहीं कि हर चीज में वो चिपचिपाहट हो, फ्रेश खाना खा लो जो नॉर्मल राइस दाल चावल ना। तो मम्मी का खाना और अभी हम लोग खा के निकलेंगे, रोमा का आया नहीं है, भाई तो अपना दवा के खा रहा है। सो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।